उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इट्स मी आयशा एंड वेलकम बैक टू माय अदर यूट्यूब वीडियो। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है सन टैन रिमूवल। सन टैन मतलब हमारी स्किन जो हम धूप में जाते हैं डार्क हो जाती है, तो उसको सन टैन कहते हैं। तो आज के वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो मैं आपके साथ ये रेमेडी शेयर करूँगी और इसके रिजल्ट्स भी शेयर करूँगी। एक ही बार में हमें इसके रिजल्ट नहीं मिलता, हमें वीक में इसको 2-3 बार यूज़ करना ही करना होता है, ठीक है। तो आप एक मंथ इसको यूज़ करें, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और इसको ऑफिस गोइंग लेडीज़, स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं। स्पेसिफिक ये लेडीज़ के लिए नहीं है, मैन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके रिजल्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टमाटर के ये फायदे होते हैं कि ये हमारी स्किन को ग्लो देता है, हमारी स्किन पे जो भी डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है, ओपन पोर्स होते हैं जो हमारी स्किन पे उसको ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। उसके अलावा सन बर्न होता है उसको ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। और इसके साथ साथ जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल होता है हमारी स्किन पे स्पेशली गर्मियों में, तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो अभी ये हमें यूज़ करना है राउंड राउंड शेप में, तो इसको बहुत ज़्यादा घिसना नहीं है, बस हमने ना हल्का हाथ रख के इसको ऐसे राउंड राउंड शेप में हमने अपने फेस पे लगाना है, ठीक है। अभी मैंने मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं लगा हुआ था, ना ही कोई सनब्लॉक, ना ही कुछ भी। हमने अपनी स्किन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके ना ये रेमेडी यूज़ करनी है, ठीक है। हमारी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। को भी ना टोमेटो के ऊपर शुगर भी डाल के ना, तो उसको एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं यूज़ करी क्योंकि मेरे फेस पे एक्नी, मतलब एक्नी वाला मेरी स्किन है, तो एक्नी स्किन को बिल्कुल भी स्क्रब फेस पे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं इसके जस्ट टोमेटो यूज़ कर रही हूँ। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि वो यूज़ करें विद शुगर तो आप लोग कर सकते हैं। स्पेशली हमारी जो कोहनियाँ होती हैं ये ब्लैक होती हैं, घुटने हमारे ब्लैक होते हैं, तो उनको वाइट नहीं करेगा लेकिन हमारी जो दूसरी स्किन होती है उसके बराबर कर देगा, तो आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने लगा लिया है, ठीक है, अभी हो गया डन। अभी मैंने इसको ना थोड़ा सा वेट करना है ताकि ये स्किन के अंदर सही से एब्जॉर्ब हो जाए, तो फेस वॉश करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है नॉर्मल वाटर से। आप देख सकते हैं कि ये स्किन पे हल्की सी ग्लो आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि टोमेटो होता ही इसलिए कि हमारे फेस पे ग्लो आ जाती है, डेड स्किन को रिमूव करता है। तो ये अभी जो हम बनाएंगे नेक्स्ट है मास्क, ठीक है। मास्क के लिए ये मैंने लिया है दही। दही आप लोग जो भी यूज़ करना चाहें घर का या बाहर का, ये मैंने घर का ही लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद मैं लूँगी 1 चम्मच बेसन की, ठीक है। बेसन को हमने 1 चम्मच डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसन के ये फ़ायदे होते हैं कि ये हमारी स्किन से ये भी डेड स्किन को रिमूव करता है, सन बर्न को ख़त्म करने में हमारी मदद करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल को भी ये कंट्रोल करता है। तो इसको हमने ये देखिए आप अगर अच्छे से मिक्स करना है ताकि फ्लॉक्स ना बने, ठीक है। उसके बाद हमने लेनी है 1/2 टेबल स्पून हल्दी। हल्दी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें कि हमारा पेस्ट बन गया है। जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इसमें, मतलब कि मैंने जो इसमें योगर्ट लिया है, योगर्ट की है कि हमारी स्किन में जो भी फाइन लाइंस और रिंकल्स होते हैं, खैर मेरे तो नहीं है, जिनके भी होते हैं वो उसको ख़त्म करने में मदद करता है, हमारी स्किन को ग्लो देता है और हमारी स्किन को ना टोनिंग इफेक्ट देता है, मतलब एज अ टोनर भी ये यूज़ होता है। उसके अलावा जो बेसन है, बेसन हमारी स्किन से एक्ने को रिमूव करता है, स्किन जो भी डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है, ठीक है। और हल्दी का ये है कि हल्दी हमारी स्किन से एक्ने स्कार्स को और एक्ने को ख़त्म करती है, इन्वायरमेंटल डैमेजेस जो भी होते हैं स्पेशली गाँव में रहने वाले लोगों के लिए, स्किन डस्ट की वजह से, डर्ट की वजह से फट जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। सन बर्न के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन जो भी चीज़ें यूज हुई हैं वो स्पेशली सन टैन के लिए ही है, बट इसके साथ साथ उन चीज़ों के बहुत सारे फायदे हैं, स्किन को ग्लो देना, एक्ने रिमूव करना, हाइपर पिगमेंटेशन जो होती है उसको लाइट करना, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हमने इसको अपने फेस पे 4 डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि 4 डायरेक्शन में कैसे लगाना है ताकि ये हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ऐसे लगाना है, ये देखिए, एक ऐसे लेयर करके लगानी है, एक ऐसे लगानी है, ठीक है, ये और फिर
ये लेयर ऐसी लगानी है और ऐसे लगानी है, ठीक है? आपको आई होप समझ आ गया हो कि ऐसे 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 और ऐसे, ताकि ये हमारे जो भी ये मैं पेस्ट बनाया हुआ है मैंने, ये अच्छे से हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं कि आप लोग उनको भी यूज़ कर सकते हैं। हम 10 साल की उम्र से ऊपर जो बच्चे हैं उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इतना ठंडा ठंडा लग रहा है। अच्छा जी, तो फेस मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अच्छे से ड्राई भी कर लिया, 15 मिनट हो चुके थे। तो अब मैं यूज़ करूँगी रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपने जो भी आप रेमेडी जो भी चीज़ यूज़ करें उसके बाद रोज़ वाटर मस्ट यूज़ करना है आपने। तो आप सब देख सकते हैं कि मेरी स्किन पे कितनी अच्छी सी ये देखिए आप ग्लो आ गया, ठीक है? रिजल्ट्स आपको सामने पता चल रहे होंगे। तो हमने अभी इसको रोज़ वाटर को लगाना है स्किन पे। तो रिजल्ट्स आप सबको सामने खुद ही नज़र आ रहे हैं कि मेरी स्किन ग्लो कर रही है और कितना अच्छा रिज़ल्ट आ गया, ठीक है? अच्छा जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो रिजल्ट आप सबके सामने हैं, लेकिन आपने एक मंथ मस्ट यूज़ करना है। चलें वीक में 3 बार नहीं, एक दो बार मस्ट यूज़ करें। इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।